जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कमलेश, आपके अपने चैनल इंटीरियर फर्नीचर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पेलिमेंट बनाने वाले हैं। उसके ऊपर दोस्तों हमारा एसी आएगा और उसके नीचे हमारा पर्दा आएगा, तो उसके हिसाब से हमने पेलिमेंट को बनाया हुआ है। आप वीडियो प्रॉपर लास्ट तक देखते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसी जगह पे हम पेलिमेंट बनाने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे हमारा विंडो है, ऊपर एसी के लिए पॉइंट भी आपको दिख रहा होगा। तो हम ऐसा पेलिमेंट बनाएंगे जिसमें मतलब कर्टन्स के लिए ऑप्शन रहे और एसी भी फिट हो जाए। तो आप इधर देखेंगे तो दोस्तों हमारा टीवी पैनल है। टीवी पैनल के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पैनलिंग है कुछ यहाँ से लेके वहाँ तक। तो इसी पैनलिंग के लेवल दोस्तों हम यहाँ पे पेलिमेंट बनाने वाले हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे बॉक्स के और दीवार के बीच में हमने 6 इंच का जगह छोड़ रखा है। तो हमने जो पेलिमेंट बनाएंगे तो वो बॉक्स के इधर ही बनाएंगे। तो किस इस पेलिमेंट को किस तरह से बनाया हमने वो इस वीडियो में पूरा आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, जो हमको फ्रेम फिटिंग करना है उसके लिए हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो हमारा जो पेलिमेंट का हाइट है उससे हम 6 इंच ऊपर यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद यही मार्किंग को हम उस तरफ भी लेवल पाइप की मदद से उतार देंगे। ये जो मार्किंग है वही मार्किंग को उस तरफ लेवल पाइप की मार्किंग मदद से उतार देंगे। दोस्तों, हमारा जो ये मार्किंग है वो हमने लेवल पाइप के हिसाब से कर लिया है। अभी मैं आपको यहाँ पे नजदीक से दिखाना चाहूंगा। तो हमारा जी ये जो जगह है, ये जगह के अंदर ही हमको पेलिमेंट बनाना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे मतलब हमारा जो प्लाई आएगा वो 12 mm का आएगा, जो सीधा खड़ा होगा प्लाई 12 mm का होगा। तो उससे हम मतलब प्लाई का थिकनेस छोड़ के एक मतलब यल टाइप बनाएंगे। वो किस तरह से बनाएंगे, किस तरह फिटिंग करेंगे, मैं आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, प्लाईवुड कट करके एक यल बना लेता हूँ। दोस्तों, हमारा जो पेलिमेंट बनाने के लिए जगह है वो 6 इंच का है। उसमें दोस्तों हमारा जो सामने का प्लाई आएगा वो 1/2 इंच का आएगा। तो हम 6 इंच में से 1/2 इंच निकाल देंगे तो हमारा 5.5 इंच का जगह बचेगा। तो हम 5.5 इंच का पट्टा काट लेंगे। उसके बाद हमारा जो लंबाई है पट्टे का वो कट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम पट्टे को जोड़ने के लिए इसमें फेविकोल लगा लेंगे। फेविकोल दोस्तों ज़रूर लगाना चाहिए, मजबूती के लिए अच्छा रहता है। तो हम फेविकोल को कुछ इस तरह से लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों 2 इंच के खीले की मदद से हम इसको यल बना लेंगे। दोस्तों, खीले लगाने के बाद हमें इसमें स्क्रू भी फिटिंग कर लेंगे। इसमें जो स्क्रू लगाएंगे वो 4/40 का रहेगा। 4/40 का स्क्रू मशीन की मदद से इसमें फिटिंग कर लेंगे। स्क्रू लगा देने से दोस्तों जो हमारा यल है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों, हमने फ्रेम को बना लिया। ये हमारा साइज वाला पीस है और हमने यहाँ पे 3 इंच का पट्टा लगा लिया है और यहाँ पे होल लगा के मतलब फिटिंग करने के लिए ऑप्शन देने के लिए यहाँ पे 3 इंच का पट्टा लगा लिया है। अब हम इसको दोस्तों ये जगह पे फिटिंग कर देंगे। दोस्तों, हमारा जो नीचे का फ्रेम है, हमने जो लेवल पाइप का मार्किंग किया है, हम उसी लेवल पाइप के मार्किंग के हिसाब से इसको फिटिंग करेंगे। नीचे वाले फ्रेम को दोस्तों हमेशा नीचे से बॉटम में ही रखना चाहिए, उसके हिसाब से हम इसको फिटिंग कर लेंगे। हम दीवार में जो स्क्रू लगा रहे हैं दोस्तों वो 60 mm का लगा रहे हैं, 5/60 का स्क्रू लगा रहे हैं मशीन से। और हमारा जो प्लाई पीछे है वो 20 mm का है, तो 40 mm दीवार में जा रहा था, हमारा मजबूत फिटिंग होगा। इसी तरह से हम पूरे फ्रेम को फिटिंग कर लेंगे। दोस्तों, जो हमारा ऊपर नीचे फ्रेम फिटिंग का करने का काम था वो हमने कर लिया है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे उलम्बा देखना है और ये साइड में भी ऊपर से लेके नीचे उलम्बा देखना है। उलम्बा देखने के बाद इसको उलम्बे में सेट कर लेना है। उसके बाद सीधा बॉटम में ये धार को, ऊपर वाले धार को भी सीधा कर लेना है और नीचे वाले मतलब ऊपर नीचे दोनों धार को बॉटम में सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद मैं आगे बताता हूँ क्या करना चाहिए। दोस्तों, हमने पूरा जो फ्रेम है फिटिंग कर लिया है, अब इसके ऊपर प्लाई लगाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, वो क्या है मैं आपको नजदीक से ले जाके बताता हूँ। दोस्तों, आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने साइड में पट्टा फिट किया है।
तो मैंने क्यों किया है, आप चाहे तो मतलब ऊपर और नीचे भी प्लाई रख के ऊपर नीचे स्क्रू लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मान लीजिए इसके ऊपर जब एसी आएगा तो वेट ज्यादा हो जाएगा, तो ये प्लाई और ये प्लाई मतलब नीचे मतलब झुकने का चांस रहेगा, तो आपको इस तरह से यहाँ पे भी मतलब साइड में मतलब मान लीजिए साइड में स्क्रू लगा देंगे दीवार पे तो कैसा भी लपने का चांस खत्म हो जाएगा, और बीच में भी आप ऐसे दो स्क्रू लगा के बीच में सपोर्ट दे सकते हैं, मान लीजिए प्लाई को भी सपोर्ट ही मिल जाएगा और मतलब झुकने का भी चांस नहीं है। आप देखेंगे मतलब यहाँ पे भी जो जहाँ पे ज्वाइंट आएगा वहां पे भी लगा सकते हैं और झुकने का चांस मतलब इस तरह से खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों इसके ऊपर जो हमारा प्लाई है वो हम लगा लेंगे। दोस्तों हम जो सामने का प्लाई लगा रहे हैं इसकी मोटाई 1.5 इंच का है और हमने जो इसका चौड़ाई काटा है वो बगल में मैंने आपको जो पहले बताया टीवी पैनल के ऊपर जो पैनलिंग है उसी के हिसाब से हमने चौड़ाई कट किया है क्योंकि हमको एक ही लेवल में दिखाना था। दोस्तों अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम बनाते रहते हैं। और हमारे प्रति कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं और कुछ डाउट है तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अभी यहीं ख़त्म नहीं होता, आगे भी बहुत सारी जानकारी बची हुई है। दोस्तों हमारा जो प्लाई लगाने का काम था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो ऑलमोस्ट दोस्तों ये हमारा जो पेलिमेंट है वो बन चुका है। दोस्तों इसके ऊपर का जो प्लाई है आपको कब तक नहीं फिक्स करना है, जब तक मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन का काम और एसी वालों का काम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसको मतलब जहाँ कहाँ पे होल कट करना है, कहाँ पे पाइप लगाना है, वो सब काम जब तक कंप्लीट नहीं होकर हो जाता है तब तक ये प्लाई को फिक्स नहीं करना है। तो हमने भी इसको फोल्डिंग रखा है और मैंने आपको पहले ही बताया हम लोग हमारा जो दीवार से यहाँ पे मतलब 6 इंच का गैप था, आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे बॉक्स है उसके लेवल ही हमने ये मतलब पैनलिंग किया हुआ है पेलिमेंट का। और ये धार से ये जो धार है दोस्तों ये जो धार है इससे ऊपर 6 इंच ऊपर हमने जो ऊपर अंदर का पट्टा है वो फिक्स किया है। तो इसी हिसाब से दोस्तों इस पेलिमेंट को आपको बनाना है। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।